बस सब्सक्राइब कर दो यार, और अब सब्सक्राइब कर दिया है तो फिर बेल आइकन भी दबा दो ताकि नोटिफिकेशन चला जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जियो प्राइम के बारे में। मतलब बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं फेक के, क्या होगा 31 मार्च के बाद जियो प्राइम का, जियो के आपके रिचार्जेस का, आपको उसका फ़ायदा वापस मिलेगा, बेनिफिट्स का फिर भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं कि नहीं। तो फिर चलिए इंट्रो लगाता हूँ। तो दोस्तों 31 मार्च मतलब जब आपने जियो प्राइम मेंबरशिप लिया था तो फिर वहाँ आपको दिखा रहा था 1 साल तक आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, और आज आप लेंगे तो भी आपको यही दिखाएगा कि आप 1 साल तक ले सकते हैं 31 मार्च तक। तो फिर ये जो 99 रुपीज़ का प्राइम मेंबरशिप था जो यूज़र्स के लिए था ताकि हम सब यूज़ कर सके और बेनिफिट्स उठा सके प्लान सस्ते में, मतलब कंपटीशन इतना हाई था कि जियो ने अपने प्राइसेस बहुत लो कर दिए थे। जियो भी पहले इतना नहीं था लेकिन अभी जियो बहुत हो चुका है, मतलब जियो के इतने सस्ते प्लान्स और फिर इसकी जो स्ट्रेटजी है वो काफ़ी कमाल की। एयरटेल, वोडाफोन ये सब बहुत पीछे हैं, जियो से ये सब हार चुके थे, और फिर लेकिन जियो ने जो फ्री में बांटा था इसलिए। तो फिर जो सिम की कॉस्ट थी, मतलब 160 मिलियन सब्सक्राइबर्स है अब जियो के, और फिर उनमें से भी मेरे ख्याल से उस टाइम 300 होंगे, और फिर लोगों को फ्री का इंटरनेट तो चाहिए था तो सिम सब ने ले लिया सब ने। तो फिर जो सिम की कॉस्ट ये सब फ्री में था, तो सिम की कॉस्ट जो कि सिम बनाने की थी तो फिर वो लेने के लिए जियो ने 99 रुपीज़ का प्राइम मेंबरशिप निकाला। तो फिर अगर आप सिम की कॉस्ट दे देते थे जो कि प्राइम मेंबरशिप के नाम पे वो लोग ले रहे थे सिम की कॉस्ट, तो आपको सस्ते में प्लान्स मिल रहे थे 31 मार्च तक। तो आज है 30 मार्च और मैंने सोचा वीडियो बनाऊं, क्योंकि लोग बहुत सारे हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया शेयर किया तो फिर जियो केस जीत जाएगा, मतलब कोर्ट में भी ये बात चल रही है वैसा बोल रहे हैं, और लोगों को 2-4-5-6 लाख लाइक मिल रहे, लाखों में, मतलब जिसे 10-15 लाइक नहीं मिलते वो उसने अपना वीडियो वायरल किया और उसे अब मिल रहे हैं लाखों लाइक्स। तो फिर अब मैं बात करूँगा इसकी। तो फिर ये सब फेक वीडियोस हैं, आपको अगर आपका प्लान है जैसे मेरा भी जियो का प्लान है 2 GB वाला, 2 GB पर डे, तो फिर मेरे ख्याल से ये प्लान 84 डेज़ का है, तो फिर मेरा प्लान एक्सपायर हो जाएगा 6 या 8 मई को। तो फिर मैंने अभी भराया था, 3 महीने वाला प्लान है मेरा 2 GB पर डे, तो फिर मुझे वहाँ तक बेनिफिट्स मिलेंगे जितना मैंने रिचार्ज कराया, जितने के मैंने पैसे दिए, तो इसकी कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि मैंने तो पैसे पे किए हैं, मतलब ये मेरा राइट है जियो का। जियो आपको देगा और जियो बहुत जल्दी मेरे ख्याल से कुछ अनाउंस करेगा, कुछ प्लान्स, प्राइम मेंबरशिप ख़त्म हो गई है इसलिए। तो फिर 31 मार्च के बाद ऐसा नहीं है जियो बंद हो गया, आपका प्लान ख़त्म हो गया, आपका प्लान एक्सपायर हो गया, आपके पैसे डूब गए, कुछ नहीं, ऐसा नॉर्मल सी बात है, बस जियो का प्राइम मेंबरशिप जा रहा है, वो सिम की कॉस्ट थी जो उन्होंने ले ली है। तो फिर अब शायद कॉस्ट बढ़ जाए लेकिन फिर भी मार्केट में कंपटीशन इतना है, मतलब सब ने अपने प्लान्स गिरा के रखे हैं, मतलब एकदम पहले 49 रुपीज़ में या फिर 149 रुपीज़ में आजकल 42 GB डेटा मिलता है, पहले तो मतलब 2 GB डेटा भी इंसान को अगर 400-300 रुपये में पर मंथ का मिलता था, मतलब इतने महंगे थे प्लान्स, लेकिन अब इतने सस्ते हो गए जियो की वजह से कि कंपटीशन बहुत हाई है। तो फिर मुझे नहीं लगता इतने भी महंगे होंगे लेकिन थोड़े से हो सकते हैं, ये मेरी प्रेडिक्शन है, मतलब मैं बहुत बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूँ लेकिन प्रेडिक्शन है छोटी सी। तो फिर बिलीव मत करो ये सब वीडियोज़ पर, आपको आपका प्लान मिलेगा अगर आपने 31 मार्च के बाद तक आपका प्लान रहता है तो आपको मिलेगा यार, कोई टेंशन की बात नहीं है। और फिर बस मैंने तो बता दिया कि उस सिम की कॉस्ट थी, तो फिर बस अनाउंस हो जाएंगे प्लान और फिर आप जो चाहिए आप वो वाला प्लान ले लेना। और फिर आज का गेम प्ले जो है, आज की वीडियो की बात करूँ तो गेम प्ले जो है GTA 5 पे, जो कि मेरा फेवरेट गेम है, तो फिर वीडियो को लाइक किए बगैर तो आप जा नहीं सकते क्योंकि आज मेरा फेवरेट गेम है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। गेम प्ले तो काफ़ी कमाल का है, मतलब GTA 5 एकदम लाजवाब गेम है, मेरी तो सबसे फेवरेट गेम है और इसी का गेम प्ले मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर बस आज के वीडियो में इतना ही, और फिर मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।